केंद्र कुंडली पार्ट 156 गज केसरी योग। गज केसरी योग के बारे में बता दूं कि जब चंद्र और गुरु की युति होती है या प्रतियुति मतलब दृष्टि होती है तो भी ये योग बन जाता है। बहुत बढ़िया योग होता है, ताकत देता है, धन दौलत देता है, चुस्ती फुर्ती देता है, उच्च पद देता है। इसके अलावा ये दूरदर्शिता भी देता है। लेकिन ये योग अगर युति से बन रहा है तो 100% और दृष्टि से बन रहा है तो 80% ही माने। इस योग के बारे में बात करें, चंद्रमा उच्च के होने चाहिए, गुरु उच्च के होने चाहिए, षडबल मतलब कारक होने चाहिए, उच्च के हों तो अच्छा ही है, षडबल अच्छा होना चाहिए। अगर डिग्री वाइज दोनों कमजोर हैं बिल्कुल काम नहीं करेगा, योग बना रहेगा लेकिन असर कुछ नहीं आना। चलिए इस लग्न में बात करें, पहले घर में पहले समझ लें चंद्रमा कारक है, गुरु कारक है, दोनों कारक है। चंद्रमा प्लस गुरु इस घर में आएंगे, बहुत बढ़िया फल देंगे, सबसे बढ़िया फल यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ पर आएंगे यहाँ पर भी देंगे। ये शरीर है, यहाँ पर अब जब आएंगे तो कुटुंब वाणी बहुत अच्छा, तीसरे घर में भी आएंगे तो अच्छा देंगे कुटुंब वाणी सबको यहाँ से, पराक्रम छोटे भाई बहन। चौथे घर की बात करूँ तो माता सुख, गाड़ी सुख, इस तरह के सारे सुख गुरु चंद्र की युति देगी। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, योग नहीं बनेगा, सिर्फ गुरु अच्छा फल देंगे। तो बिजनेस जो संतान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चंद्रमा खराब करेंगे, बाकी गुरु ठीक कर देंगे। गुरु अगर यहाँ पर आते हैं 6-8-12 में गुरु प्लस चंद्र की युति बनेगी। तो इस लग्न में अगर बात करूँ तो अगर गुरु विपरीत राजयोग में आएंगे तो सिर्फ गुरु इन घरों में अच्छा देंगे। गुरु को विपरीत राजयोग में आने के लिए क्या होगा, चंद्रमा डिग्री वाइज स्ट्रांग हो, चंद्रमा छीण ना हो, चंद्रमा 6-8-12 में ना आ जाए। 10वें घर की बात करूँ तो यहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं, सिर्फ चंद्रमा अच्छा फल देंगे, योग नहीं बनेगा। इस घर की बात करूँ, गुरु स्वग्रही, चंद्रमा वैसी कारक, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत बढ़िया फल देंगे। यहाँ पर गुरु प्लस चंद्र बहुत अच्छा फल, यहाँ पर पिता से संबंधित भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा, यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन अच्छा काम करेगा। यहाँ चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, गुरु वैसी कारक है, चंद्रमा भी कारक बहुत बढ़िया, बड़े भाई बहनों से अच्छा, बिजनेस आय अच्छी। यहाँ से विपरीत राजयोग में सिर्फ गुरुदेव अच्छा काम करेंगे। तो ये था गजकेसरी योग कुंडली पार्ट 156 कर्क लग्न में। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा षडबल जरूर देखें, ग्रहों का षडबल में कमी है तो फल कम हो जाएगा। नमस्कार, अगले वीडियो तक।